नमस्कार, नवजीवन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नौटिया। यस बैंक संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यस बैंक संकट पर सरकार और आरबीआई की निगाहें बनी हुई हैं। आरबीआई पहले से हालात पर नजर रखे हुए था। सीतारमण ने कहा कि इस संकट को सुलझा लिया जाएगा, सरकार ने इसके लिए कदम उठा लिए हैं। यस बैंक एक बड़ा बैंक है और वित्तीय क्षेत्र में इसका काफ़ी असर है, लिहाजा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस संकट को तुरंत सुलझाया जाए। निर्मला सीतारमण के मुताबिक एसबीआई ने हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने बताया कि नया बोर्ड रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के बाद टेक ओवर करेगा। बता दें कि आरबीआई ने यस बैंक के डायरेक्टर बोर्ड को भंग कर दिया था। इसके बाद एसबीआई के सीएफओ प्रशांत कुमार को एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दिल्ली सरकार ने हिंसा पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर एक और ऐलान किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुआवजा देने के लिए पीड़ितों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, साथ ही हिंसा में बर्बाद हुए स्कूलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। सिसोदिया ने कहा, कमर्शियल प्रॉपर्टी और घर में लूट होने पर एफआईआर के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि अगर घर पूरा जला है तो 5 लाख रुपए यानी 4 लाख घर के स्ट्रक्चर के लिए और 1 लाख सामान के लिए दिए जाएंगे। घर आधा जला है तो 2.5 लाख रुपए यानी 2 लाख घर के स्ट्रक्चर के लिए और 50,000 सामान के लिए दिए जाएंगे। मुआवजा देने के लिए सरकार 2 दिन के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव लॉन्च करेगी। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा में बर्बाद हुए स्कूलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। जिन स्कूलों में 1,000 बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में 1,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 10 लाख रुपये मुआवजा देगी सरकार। निर्भया केस में फांसी से बचने के लिए दोषी लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब दोषी मुकेश ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की इच्छा जताई है। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में गुनहगार मुकेश कुमार सिंह ने अब अपने पुराने वकील पर ही आरोप मढ़ने शुरू कर दिए हैं। मुकेश ने कहा है कि उसे नहीं बताया गया कि क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए 3 साल तक का वक्त होता है। ऐसे में तमाम कार्रवाई रद्द की जाए और उसे क्यूरेटिव पिटीशन और अन्य कानूनी उपचार के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। अब की बार मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मुकेश के वकील एमएल शर्मा की ओर से अर्जी दाखिल कर भारत सरकार, दिल्ली सरकार और एमिक्स क्यूरी यानी कोर्ट सलाहकार को प्रतिवादी बनाया है। अर्जी में कहा गया है कि उसे साजिश का शिकार बनाया गया है। उसे नहीं बताया गया कि लिमिटेशन एक्ट के तहत क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए 3 साल का वक्त होता है। कोरोना वायरस के बाद अब यस बैंक संकट का भी असर शेयर बाजार में देखने को मिला। कोरोना वायरस और यस बैंक संकट से घबराए निवेशकों ने शुक्रवार को भारी संख्या में शेयर बेचे। इससे सेंसेक्स 893.99 अंक नीचे गिरकर 37,576.62 अंकों पर बंद हुआ। इस तरह निफ्टी 289.45 अंक नीचे गिरकर 11,000 के नीचे पहुंच गया। निफ्टी 10,979.55 अंकों पर बंद हुआ। BSE पर यस बैंक के शेयर 56% और निफ्टी पर 74% नीचे गिरे। BSE पर टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज़्यादा गिरावट रही। केवल बजाज ऑटो, मारुति और एशियन पेंट्स के शेयर में तेजी देखने को मिली।